हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। नागरिकता कानून को लेकर बीते दिनों जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। बात बस में आग लगने से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरा देश ही दहल उठा। अब आलम यह है कि देश के अलग अलग राज्यों में नागरिकता कानून का लोग विरोध कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। इस कानून के विरोध में बॉलीवुड की भी कई हस्तियों ने अपनी आवाज उठाई। कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन को बढ़ावा देने में कई दिग्गजों ने साथ दिया, जिसका हर्जाना भी उन्हें भुगतना पड़ा। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना कई बॉलीवुड स्टार्स को भारी पड़ गया है। सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर का, जिन्होंने इस कानून के खिलाफ न सिर्फ अपनी आवाज उठाई बल्कि प्रदर्शन के लिए मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भी शामिल हुए। उनका मानना था कि सोशल मीडिया पर आवाज उठाने का वक्त खत्म हो गया है, मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। उनके उठाए इस कदम पर हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई और उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। फरहान अख्तर पर आरोप है कि उन्होंने लोगों के मन में डर पैदा करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने का काम किया है। इससे पहले बॉलीवुड के हैंडसम हंग ऋतिक रोशन ने भी सरकार के इस कानून को लेकर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में भारत को दुनिया का सबसे यंग डेमोक्रेटिक कंट्री बताया था और उसे सल्यूट किया था, जिसके चलते लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया था। बता दें कि जहां एक तरफ देश जल रहा था तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने बीते दिनों एक फोटो शेयर की थी जो कि लोगों को रास नहीं आई। लोगों का कहना था कि एक तरफ लोग इस कानून को लेकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं और इन्हें अपनी इस तरह की फोटो पोस्ट करने से फुर्सत नहीं है। इससे पहले हाल ही में जामिया के छात्रों का आलिया भट्ट ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन उनके सपोर्ट में आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर भारतीय संविधान का पुराना प्रीएम्बल शेयर कर दिया था, जबकि 42वें संशोधन के तहत संविधान और उसकी प्रस्तावना में कई बदलाव किए गए थे। इसी लिस्ट में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। अक्षय को उस वक्त ट्रोल कर दिया गया था जब उन्होंने जामिया प्रोटेस्ट से जुड़े एक वीडियो को लाइक कर दिया था। जामिया में प्रोटेस्ट को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल हुए और उन्हीं में से एक वीडियो को अक्षय ने लाइक कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस चीज की सफाई देते हुए बताया था कि पोस्ट गलती से लाइक हुआ था।